महाराष्ट्र को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, समृद्धि महामार्ग का पीएम ने किया उद्घाटन, नागपुर में मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत को पीएम ने दिखाई हरी झंडी, शॉर्टकट राजनीति करने वाले दलों पर पीएम की नसीहत। आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। आज गोवा को मिलेगा नए एयरपोर्ट का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, गोवा में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शपथ ग्रहण से पहले प्रतिभा सिंह से मिलने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू, दोपहर 1:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ, मुकेश अग्निहोत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम। गुजरात में शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल, नए मंत्रिमंडल को लेकर 5 घंटे तक हुआ मंथन, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी रहे मौजूद। मिशन पूर्वोत्तर को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी रहेंगे मौजूद, मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड की चुनावी तैयारियों पर होगा मंथन। तरनतारन में रॉकेट अटैक मामले में एनआईए की जांच तेज, 15 संदिग्ध हिरासत में, 400 मोबाइल नंबर रडार पर, संदिग्धों की इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद। ईरान में हिजाब को लेकर ट्रेन में भिड़ी महिलाएं, बिना हिजाब ट्रेन में सफर करने पर महिला का हो रहा था विरोध, ट्रेन के अंदर की महिलाओं के बीच मारपीट। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को ने किया एक और बड़ा उलटफेर, क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में मोरक्को की एंट्री, दूसरे मुकाबले में फ्रांस की इंग्लैंड पर 2-1 से जीते, पेरिस में जश्न के दौरान फुटबॉल फैंस को काबू करना पुलिस के लिए हुआ मुश्किल। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।